1959 में घटित चर्चित नानावटी कांड में एक क्राइम थ्रिलर बनने के सारे गुण मौजूद हैं। एक ऑफिसर, उसकी अकेली पत्नी, पति के दोस्त के साथ अफेयर, एक मर्डर, अदालत में जोरदार बहस और देशभक्ति को लेकर बढ़िया फिल्म बनाई जा सकती है। 57 वर्ष पूर्व घटे इस घटनाक्रम से प्रेरित होकर निर्देशक टीनू सुरेश देसाई ने रुस्तम बनाई है। फिल्म को मनोरंजक बनाने के चक्कर में निर्देशक और लेखक थोड़े भाग गए हैं, जिससे इस थ्रिलर की गंभीरता कम हुई है और फिल्म उतना मजा नहीं दे पाती है। रुस्तम पावरी नेवी में ऑफिसर है, महीनों वह घर से दूर रहता है। इस दौरान उसकी पत्नी सिंथिया रुस्तम के दोस्त विक्रम की ओर आकर्षित हो जाती है और एक रात दोनों तमाम सीमाओं को तोड़ देते हैं। सिंथिया को गलती का एहसास होता है, वह अपने पति को इस बारे में बताए इसके पहले ही रुस्तम को यह बात पता चल जाती है। वह विक्रम की हत्या कर देता है। अदालत में उस पर मुकदमा चलता है जिसमें वह खुद की पैरवी करता है। किस तरह से रुस्तम अपने आप को निर्दोष साबित करता है, यह फिल्म का सार है। Rusty, please. I can explain. Trust me, darling. You cannot. कहानी में सस्पेंस ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ साफ है कि किसने हत्या की है और क्यों की है। मामला कोर्ट रूम ड्रामे पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लेखक विपुल के रावल ने अपने पत्ते शुरुआत के 15 मिनट में ही खोल दिए हैं। पत्नी की बेवफाई का राज और उसके प्रेमी की हत्या इस दौरान हो जाती है, इससे उत्सुकता जागती है कि अब फिल्म को कैसे समेटा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे निर्देशक और लेखक के हाथ से फिल्म फिसलने लगती है, खूब फैलाव और दोहराव नजर आता है। फिल्म में मनोरंजन का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है और फिल्म अंत तक पहुंचने में लंबा समय लेती है। फिल्म का पहला हाफ ठीक है, दूसरे हाफ का 90% समय अदालत में कटता है। यहाँ पर लेखक से चूक यह हो गई है कि उन्होंने अदालत वाले घटनाक्रम को गंभीर नहीं रखा है। दर्शकों को जो चीज फिल्म से बांध कर रखती है वो है कहानी। इस कहानी में वो पकड़ है जिसकी वजह से दर्शक अंत तक बैठा रहता है। साथ ही कहानी में जो देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति वाला रेशा डाला गया है वह फिल्म को ताकत देता है। मतलब बाजी जीतने से फिर चाहे प्यादा कुर्बान हो या फिर रानी। टीनू सुरेश देसाई का निर्देशन और प्रस्तुतिकरण वर्षों पुरानी फिल्मों जैसा है। फिल्म पर से उनका नियंत्रण बार बार छूटता रहता है। ड्रामे में वे फिर भी पैदा नहीं कर पाए और नाटकीयता का पुट उन्होंने ज्यादा डाल दिया है। आप पर विक्रम मखीजा की हत्या का आरोप है, क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? आई प्लीड नॉट गिल्टी। अक्षय कुमार ने गंभीरता से अपना काम किया है, अपने स्टारडम से वे बांध कर रखते हैं। नौसेना अधिकारी के रूप में उनकी फिटनेस देखने लायक है। इलियाना डिक्रूज के किरदार को उभरने का अवसर नहीं दिया गया है, जितना अवसर उन्हें मिला है उसे उन्होंने अच्छे से निभाया है। ईशा गुप्ता, कुमुद मिश्रा और उषा नाटकर्णी के किरदार शायद दर्शकों को हंसाने के लिए रखे गए हैं। नकारात्मक रोल में अर्जुन बाजवा अपना असर छोड़ते हैं। This is a clear case of predetermined murder. तकनीकी टीम का काम कमजोर है, बैकग्राउंड म्यूजिक बेहद लाउड है, संपादन ढीला है। आसानी से फिल्म को 20 मिनट कम किया जा सकता था। रुस्तम तभी पसंद आएगी जब बहुत आशा लेकर न जाया जाए, क्योंकि कहानी में दम तो है लेकिन लेखक और निर्देशक इसका पूरा दोहन नहीं कर पाए। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।